इलेक्ट्रिक फ्यूचर है और इसीलिए मर्सिडीज पहली मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक गाड़ी EQS SUV 580 को लेकर आ गई है। लेकिन इस इलेक्ट्रिक गाड़ी में क्या है खास, कितनी रेंज है, क्या कुछ मिलता है कंज्यूमर्स को, ये सब बातें जानने के लिए देखिए ये टेस्ट ड्राइव कुमार संजय के साथ। अगर आपको ईवी में लग्जरी, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी तीनों चीज़ चाहिए तो आपके लिए एक गाड़ी है, वो है EQS SUV 580 आपके सामने है, जो भारत में लॉन्च हो चुकी है और इसकी कीमत है 1,41,00,000 रुपये, वो भी ये इंट्रोडक्टरी प्राइस है। इस गाड़ी के बारे में बताने से पहले मैं बता दूं कि मर्सिडीज के पोर्टफोलियो में भारत में ये छठी ईवी कार है और अभी तक इंडिया में जितनी भी लग्जरी ईवी गाड़ी सेल होती है उनमें मर्सिडीज की गाड़ी काफ़ी ज़्यादा है और इसके पीछे वजह है, आप देख सकते हैं, लुक, टेक्नोलॉजी और परफॉर्मेंस। जो इसका सामने का लुक है बिल्कुल अलग है, जो मर्सिडीज का जो डिज़ाइन लैंग्वेज है उनसे बिल्कुल अलग है और ये ईवी को दर्शाता है। आप सामने से देखें ये पूरा जो ग्रिल है वो स्लिक है और यहाँ पर बड़ा सा मर्सिडीज का आपको लोगो मिल जाएगा और ठीक इसके बोनट के ऊपर एक छोटा सा मर्सिडीज का एम्बलम मिल जाएगा। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो आप यहाँ पर पहले देखते थे डॉट हो जाता है, यहाँ पर आप मर्सिडीज का जो साइन है स्टार का वो आपको ग्रिल पर मिल जाएगा और जो इसका लैम्प है, हेडलैम्प है, बिल्कुल स्लीक सोभर, लेकिन जो इसकी रोशनी है वो काफ़ी बेहतर है। आप देख सकते हैं जो लाइट है आप काफ़ी सिंपल रखा गया और जो इसका डिज़ाइन लैंग्वेज है उससे मैच करके बनाया गया है और जो इसकी रोशनी है काफ़ी बेहतर है, सामने वाली गाड़ी की रोशनी के हिसाब से जो इसकी रोशनी है कम या फिर ज़्यादा हो जाती है और इसमें कई सारे LED पिक्सल को मिलाकर इसे बनाया गया, इसीलिए कंपनी इसे परफॉर्मेंस LED लाइट बोलती है। EQS SUV का जो साइड का जो प्रोफाइल आप लुक देखेंगे बिल्कुल अलग है, लगती है एकदम ह्यूज बड़ी गाड़ी है और बड़ी गाड़ी है भी क्योंकि ये 7-सीटर गाड़ी है, लगती नहीं है कि 7-सीटर गाड़ी है लेकिन इसमें 7-सीट का प्रोविजन दिया गया और भी फुल 7-सीट, आराम से इसमें 7 एडल्ट लोग बैठ करके सफ़र कर सकते हैं। आप गौर से देखें जो इसका बोनट का लाइन है बिल्कुल यहाँ से लेकर के बॉडी के ऊपर से सिल्हूट एकदम पीछे तक जाता है और इसके विंडो के चारों तरफ आपको क्रोम का स्ट्रिप लाइन मिल जाएगा, ए पिलर, बी पिलर, सी पिलर के बाद यहाँ पर छोटा सा आपको एक क्वार्टर ग्लास भी आपको मिलता है और जो इसका व्हील बेस है जो EQS है जो सेडान कार है उससे काफ़ी बड़ी है। वैसे बताऊं कि इसे EQS के प्लेटफॉर्म में बनाया गया लेकिन ये एक्सटेंडेड व्हील बेस है और जो इसका व्हील बेस का लंबाई है रियर व्हील से फ्रंट व्हील वो है 3.2 मीटर, तो आप समझ सकते हैं जिसका व्हील बेस का लंबाई 3.2 मीटर है उसमें आपको कितना स्पेस मिलता होगा। जो डोर के जो हैंडल्स हैं वो भी फ्लश डोर हैं जो इससे एरोडायनामिक बनाता है और इसी वजह से जो इसकी रेंज है वो काफ़ी बेहतर है। EQS 580 का जो रियर लुक है सिंपल है, सोबर है और मर्सिडीज की जितने भी EQ गाड़ियाँ हैं उनका जो रियर का डिज़ाइन लैंग्वेज है वो आपको सेम मिल जाएगा और आप यहाँ पर गौर से देखें ये जो आप स्पॉइलर देख रहे हैं ये डिज़ाइन का पार्ट है, ऐसा ही लगता है कि अलग से फिट किया गया। यहाँ पर आपको EQS 580 का बैजिंग, मर्सिडीज का लोगो, फोर मैटिक इसलिए क्योंकि ये SUV है और ये फोर व्हील ड्राइव वाली गाड़ी है। जो इसके टेल लैंप है ये हेलिक्स टेल लैंप है और ये आपस में कनेक्टेड है और जो इसकी रोशनी है इतनी खूबसूरत है जब जलता है तो आपको इस पर दिल आ जाएगा। दूसरी चीज़ कि जो इसका चार्जिंग पॉइंट है वो आपको यहाँ पर दिया गया, प्रेस करें और ये चार्जिंग पॉइंट खुल जाता है, यहाँ से गाड़ी को आप चार्ज कर सकते हैं और मैं बताऊँ कि इससे आप 200 पावरफुल जो DC चार्जर है उससे भी आप चार्ज कर सकते हैं, होम चार्जर तो है ही, साथ ही अगर आपको पावरफुल चार्जर मिलता है 200 DC चार्जर उससे भी चार्ज कर सकते हैं। अगर आप उसे चार्ज करते हैं तो आधे घंटे में ये 0 से 80% गाड़ी चार्ज हो जाती है। बंद करना है, हल्का सा प्रेस कीजिए और ये अपने आप लॉक हो जाता है। बूट खोलना है, आप यहाँ से प्रेस कीजिए, बूट एक खुल जाता है। बूट खुलने के बाद ये 7-सीटर वाली गाड़ी है लेकिन मैंने 3rd row सीट फोल्ड कर रखा है, इसलिए फोल्ड कर रखा है ताकि आपको मैं बता सकूं कि इसके अंदर आपको कितना अच्छा आपको बूट स्पेस मिलता है। जी हाँ, 3rd row सीट फोल्ड करने के बाद यहाँ पर जो बूट स्पेस का जो स्पेस मिलता है
वो है 880 लीटर और यह इसको फ्लैट रखा गया ताकि आप सामान आसानी से उतार सकें और रख सकें। आप यहाँ बैठ सकते हैं। बैठने के बाद अगर आपको लगता है कि सेकेंड रो सीट फोल्ड कर दें तो सेकेंड रो सीट फोल्ड करने के बाद आप यहाँ पर सो भी सकते हैं, इतना अच्छा यहाँ पर स्पेस बन जाता है। बंद करना है बुट को, आप यहाँ प्रेस कीजिए और ये लॉक हो जाता है। लेकिन इसके इंटीरियर में क्या स्पेस मिलता है, कितना कंफर्ट मिलता है और क्या नया टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल किया गया है, आइए वो भी जान लेते हैं। EQS 580 SUV का जो आपका इंटीरियर स्पेस है आपको इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। और आपने अगर माइबाग देखी होगी तो सेम उसका ही फील आपको यहाँ पर मिलेगा, वही सेम स्क्रीन आपको यहाँ पर दिया गया, ह्यूज 56 इंच का आपको ट्रिपल स्क्रीन मिलता है और यहाँ पर जो बीच में जो स्क्रीन का साइज है वो है 17.7 इंच का स्क्रीन मिलता है और दोनों साइड ड्राइवर डिस्प्ले और यहाँ पर जो को ड्राइवर पैसेंजर के लिए यहाँ पर एक छोटा स्क्रीन दिया गया, इसका साइज है 12.3 इंच। और इसमें जितने भी फीचर्स दिए गए हैं सभी के कंट्रोल आपके टच है, कहीं भी आपको बटन यहाँ पर नहीं मिलता है। और यहाँ पर भी जो आप छोटा सा देख रहे हैं इसमें भी इसे आपको टच करना है और जो सारे फंक्शन हैं आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको डायनेमिक यानी जो मोड है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। EQ मोड दिया गया, आप प्रेस करते हैं यहाँ पर गाड़ी के जो कितना चार्जिंग बचा हुआ वो सब यहाँ पर डिस्प्ले होता है। स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पर दिया गया, आप अपने फिंगर को यहाँ पर टच करके आप गाड़ी को लॉक अनलॉक करना है, कुछ भी करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। वॉल्यूम को आप कंट्रोल करना आप यहाँ पर दिया गया है, इसके साथ प्रेस कीजिए यहाँ पर खुल जाता है, यहाँ पर ढेर सारा आप सामान रख सकते हैं और इसके अंदर भी आपको सी पोर्ट का चार्जिंग का पॉइंट दिया गया है। यहाँ पर दो आपको बोतल होल्डर दिया गया है और यहाँ पर मोबाइल वायरलेस चार्जर सिस्टम भी यहाँ पर दिया गया। बंद करना है, बंद कीजिए और ठीक इसके नीचे आपको ढेर सारा स्पेस मिलता है। जो स्टेयरिंग व्हील है ये नापा लेदर के बने हुए हैं और जो इसका टच एंड फील है मत पूछिए, आपका दिल आ जाएगा टच करने के बाद। और यहाँ पर पैनोरामिक सनरूफ दिया गया, प्रेस कीजिए और ये खुल जाता है। सीट है वेंटिलेटेड सीट है और ये भी आपके प्योर लेदर के अपहोस्ट्री यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। गाड़ी चलाने में कैसी है, चलिए मेरे साथ इसकी राइड पर। परफॉर्मेंस की बात करें तो EQS 580 की जो रेंज है, जो कंपनी का दावा है वो है ARAI के हिसाब से 809 किलोमीटर। और इसके पीछे जो मेन जो वजह है कि इसमें पावरफुल बैटरी पैक दिया गया, जी हाँ 122 किलोवाट का इसमें बैटरी पैक दिया गया है और इसी वजह से जो इसकी रेंज है इतनी अच्छी है। और जो इसका मोटर का जो आउटपुट है, इसमें दो मोटर लगे हैं, ये फोर व्हील ड्राइव है, फॉर्मेटिक है और जो मोटर का जो आउटपुट है करीब 400 किलोवाट और टॉर्क भी काफ़ी अच्छा है। जैसे आप थ्रोटल दबाएंगे फिर देखिए इसके स्पीड, जो इसकी टॉप स्पीड है 210 किलोमीटर और ये 0 से 100 करीब करीब 4.7 सेकंड में छू लेती है। EQS 580 में आपको चार ड्राइविंग मोड मिलते हैं और ड्राइविंग मोड सेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ बटन दिया गया, आप जैसे इसे प्रेस करेंगे स्क्रीन में आपको शो करने लगेगा कि आप किस मोड में आपको चलाना है। पहला है इको, दूसरा है कंफर्ट, तीसरा है स्पोर्ट्स और चौथा है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब आप अपने हिसाब से उसको सेट कर सकते हैं। EQS 580 का जो स्टीयरिंग व्हील है काफ़ी स्मूथ है और एक्यूरेट भी है। और इसमें एक और ख़ास फीचर्स है, वो है कि इसके रियर व्हील में भी आपको स्टीयरिंग दिया, यानी जैसे आप टर्न करेंगे तो पीछे का जो व्हील है वो 10 डिग्री तक घूमता है। और इससे फ़ायदा ये होता है कि आप कम से कम टर्निंग जगह में इस गाड़ी को आप इजीली आप टर्न कर सकते हैं। और जैसे आप हाई स्पीड में जाते हैं 60 से ऊपर तो जो रियर व्हील जो स्टीयरिंग है अपोजिट डायरेक्शन में 10 डिग्री घूमता है। तो ये इस EQS की एक यूनिक फीचर्स हैं। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो EQS 580 में 9 एयर बैग, ABS, EVD, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड, हिल डिसेंट के साथ 360 डिग्री इसमें कैमरा भी दिया गया और इसमें एक ऑफ रोड मोड भी है
और ऑफ रोड मोड में जैसे ये बटन दबाएंगे जो उसके कंट्रोल्स हैं सब कुछ यहाँ पर आपको डिस्प्ले होता है। तो इस तरह से मैं कहूँगा जो EQS 58 जो SUV है वो कमाल के हैं, चाहे वो लग्जरी के मामले में हो या फिर सेफ्टी के मामले में हो। तो रेंज, कीमत और फीचर्स के हिसाब से मर्सिडीज EQS 580 एक बेहतरीन गाड़ी है। वक्त हो गया इसी के साथ एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे नई ऑडी Q8 का रिव्यू। आप देखते रहिए आवाज़ ओवरड्राइव।